होती है। ताली बजाने से हमारे तुम्हारे हाथों की हस्तरेखा भी बदल जाती है, क्योंकि जब ताली बजाते हो ना तो तालियों की हस्तरेखा बदलती है। और यानी ताली बजाने का भी कारण हुआ करता है, क्या कारण होता है महाराज? घाटों का छूना है ताली बजाई हो तो, क्यों कि घाटा क्यों नहीं है? जब आप ताली अभी से बजाओगे यानी प्रैक्टिस करोगे तालियों की महाराज, तो समझ लो ये ताली भी काम आएंगी। कब ताली काम आएंगी पता है महाराज? घर में देखा होगा नाती को खिलाया है आपने कभी? खिलाते होंगे, जब वो रोता है तो क्या करते हो? ताली बजा के खिलाते हो ना, तो ताली बजा के सीखो। अगर कहोगे ना रोल लगे तो छुपो तो कर लियो ताली हो जाएगा, ठीक है ना? ताली बजा के बोले सब लोग नहीं बोलते हो ताली बजा के धीमे धीमे, वही क्यों वही ऐसे ही कत करा कर, पता नहीं कितना लोड पड़ता है ताली बजाने में। ताली कभी ऐसे करके नहीं बजाते हैं क्योंकि ऐसा लगता है भगवान से नाराज हो। हमेशा ताली दिल खोल करके हाथों को खोल करके बजाती है, लेकिन शर्म लगी है ना ऐसे बजा रहे, पता नहीं कितना लोड पड़ता है ताली बजाने में। कम से कम ताली बजनी चाहिए बड़े खुशी के साथ। और आप हो ना महाराज परीक्षित हो ना, आपकी धर्मपत्नी है ये? अच्छा, और आप हो ना कौन से हैं? कौन है युगपति भैया? तो आप इतनी दूर काय बैठे हो? का दोनों में खटपट चला थे का? वे बैठी होंगे तुम बैठे पीछे, गलत बात है। देखिए जब भगवान जोड़ा बनाता है तो आपने देखा होगा कहीं यज्ञ हवन होता है या कोई कार्य होता है तो जोड़ा के साथ किया जाता है। तो जब जोड़ा के साथ में होता है तो जब महाराज परीक्षित जोड़ा के साथ में बैठे हो तो महाराज यज्ञपति जी आप हो ना, तो दोनों लोग जोड़ा के साथ बैठो। तब खाना खिलाने गए लेकिन आप बैठ जाओ। अब एक देख गांठ लगाए के बैठो, गांठ लगाए के बैठे ऐसे नहीं बैठे हुए कल से, ठीक है ना? ए पैदा बने
बोलिए कन्हैया लाल की। तुम लोग जगह